अमेरिका के साउथ कैरोलिना में 43 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यापारी को उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी 10 दिन पहले ही अमेरिका के कंसेस में नस्लभेदी अपराध में भारतीय मूल के एक इंजीनियर को गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। अब इस वारदात के बाद अमेरिका में रह रहे 5 लाख भारतीयों में डर फैल रहा है। अमेरिका में बसे भारतीय अभी कंसेस में इंजीनियर की हत्या से उबर ही रहे थे कि साउथ कैरोलिना में एक और भारतीय की हत्या ने सन कर दिया। पेशे से कारोबारी हरनेश पटेल की साउथ कैरोलिना स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात की है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11:24 पर हरनेश अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल गए। इसके 10 मिनट बाद ही लैंकास्टर में घर से कुछ ही फुट दूरी पर किसी ने गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पास में रहने वाली एक महिला ने 911 पर फोन करके पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने चीखने की और गोलियां चलने की आवाजें सुनी हैं। हरनेश की हत्या को लेकर लैंकास्टर के लोगों को काफी नाराजगी है। स्थानीय लोग परेशान हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उनकी दुकान के बाहर बलून और फूल छोड़कर जा रहे हैं। I miss him. He likes all the customers, and customer likes him. Who would do anything like this to him? As good as he is, him. पिछले महीने ही अमेरिका के कंसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नस्लभेद में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास के कत्ल को घृणा और बुराई से भरा कृत्य बताया था। Recent threats targeting Jewish community centers. And vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's shooting in Kansas City, remind us that while we may be a nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms. अब राष्ट्रपति के बयान के 48 घंटे के भीतर ही एक और भारतीय की हत्या से अमेरिका में रह रहे 5 लाख भारतीयों के मन में डर बैठ गया है। उधर लैंकास्टर पुलिस को पहली नजर में ये नहीं लगता कि वारदात के पीछे घृणा और नस्लभेद का मामला है, पर जांच शुरू कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।